Saskatchewan Polytechnic, tomorrow in the making. छह टॉपिक के ऊपर बात करूंगा दोस्तों, हिस्ट्री एंड कैंपसेस के बारे में, रैंक एंड रेपुटेशन कैसी है इन द कैनेडा, प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है, फीस क्या क्या है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, विच कैंपस, कौन सा कैंपस आपके लिए सही रहेगा, और लास्ट में बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है फॉर द Saskatchewan Polytechnic गाइज. हेलो एंड वेलकम टू राम्स लाइफ चैनल. विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिस्ट्री एंड कैंपसेस के बारे में. सबसे पहले मोजो कैंपस स्टार्ट हुआ था इन 1959. उसका नाम था Saskatchewan टेक्निकल इंस्टीट्यूट. सास्कटून में 1963 में एक कैंपस स्टार्ट हुआ था जिसका सेंट्रल Saskatchewan टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट किया गया था. रजाइना कैंपस स्टार्ट हुआ था 1972 जिसका नाम डिफरेंट हुआ करता था. 1986 में प्रिंस अल्बर्ट कैंपस स्टार्ट हुआ था, उसका भी नाम डिफरेंट रहा था उस टाइम पर. बट 1988 में इन सारे के सारे कैंपसेस को Saskatchewan इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी SIAST के नाम से जाना जाने लगा. बट फाइनली इन द September 24, 2014 को इसको Saskatchewan पॉलिटेक्निक का नाम दिया गया और चार कैंपस में डिवाइड किया गया, मोजो, सास्कटून, रजाइना एंड प्रिंस अल्बर्ट गाइस. सो आज Saskatchewan पॉलिटेक्निक के चार कैंपसेस अवेलेबल है. आफ्टर 2014 गाइस Saskatchewan पॉलिटेक्निक धीरे धीरे ग्रोथ किया और आज के डेट की बात करते हैं कि कितने टोटल एनरोलमेंट है बाय कैंपसेस. देन मोजो कैंपस में 2791 स्टूडेंट्स है, प्रिंस अल्बर्ट में 2211, रजाइना कैंपस में 3966 एंड सास्कटून कैंपस में 7040 एनरोल्ड मेंट है करंटली. और टोटल Saskatchewan पॉलिटेक्निक के इन चारों कैंपसेस के मिला के 16,008 एनरोलमेंट है आज की डेट में. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है इंडिया से, उसके बाद नाइजीरिया, चाइना, फिलीपींस, साउथ कोरिया, वियतनाम, जमैका एंड ब्राजील का नंबर आता है. और भी बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है दोस्तों. सो ये बातें थी हिस्ट्री एंड कैंपसेस के बारे में. चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक यानी कि रैंक एंड रेपुटेशन के बारे में. यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड में रैंक आता है 8050 Saskatchewan पॉलिटेक्निक का, एंड कंट्री वाइज यानी कि कनाडा में अगर रैंक देखा जाए तो 111 रैंक पे आती है ये कॉलेज. सो काफी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों. बाकी सारे इम्पैक्ट, ओपननेस, एक्सलेंस में भी इसका रैंक दिया गया है जो कि काफी एवरेज है ऐसा मैं कह सकता हूँ. बट यहाँ पर दोस्तों रेपुटेशन की बात करें तो Saskatchewan में काफी अच्छी रेपुटेशन है, इसका बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और बहुत सारे अचीवमेंट एवरी ईयर करता रहता है Saskatchewan पॉलिटेक्निक. यहाँ पर देखा जा सकता है दोस्तों May 2020 में, June 2020, June 2020, December 2020, January 2021, February 2021 में काफी अचीवमेंट्स किए गए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते रहते हैं Saskatchewan पॉलिटेक्निक को. इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनली हर कैंपसिस में, चाहे वो योगा क्लासेस की बात हो गई या फिर वर्चुअल करियर फेयर की बात करते हैं या फिर माइंडफुलनेस मूवमेंट्स की या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है इन द Saskatchewan पॉलिटेक्निक, यानी कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट होता रहता है वहां पर. सो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाएगी इन द Saskatchewan पॉलिटेक्निक. सो एक काफी अच्छी बात है दोस्तों. बात करते हैं थर्ड टॉपिक के बारे में जो कि है प्रोग्राम्स अवेलेबल कौन कौन से है दोस्तों. सबसे पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि Saskatchewan पॉलिटेक्निक पहले से दावा करता है कि Saskatchewan पॉलिटेक्निक एक एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिव पॉलिटेक्निक है, यानी कि ये लोग उस टाइप के कोर्सेज डिजाइन करते हैं, उस टाइप के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो जिसकी मदद से आपको जो मार्केट में डिमांडेबल स्किल्स है वही दी जा सके दोस्तों. सो ये काफी अच्छी बात है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है, मार्केट में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोर्सेज डिजाइन करता है. तो ये काफी अच्छी बात है. बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है. अगर डिटेल में बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर 54 प्रोग्राम्स अवेलेबल है फॉर द डिप्लोमा, 43 प्रोग्राम्स अवेलेबल है फॉर द सर्टिफिकेट, 36 प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर द अप्लाइड सर्टिफिकेट, उसके अलावा 26 अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अवेलेबल है, 4 प्रोग्राम्स अवेलेबल है इन द डिग्री. अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट करना है सो उसके लिए भी 3 प्रोग्राम अवेलेबल है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट के 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल है दोस्तों. सो बहुत सारे प्रोग्राम है आपको यहाँ पर चूज करने के लिए. एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ Saskatchewan पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर दोस्तों. सो ये आ गए हम दोस्तों Saskatchewan पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर. यहाँ पर मुझे आप लोगों को दिखाना था दोस्तों कि अगर आप Saskatchewan पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर जाते हो और A to Z लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स में जाते हो, सो यहाँ पर आपको सभी के सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाएगी. यहाँ पर आपको दिखाया गया है प्रोग्राम कौन सा है, क्रेडेंशियल क्या है यानी कि सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, एडवांस सर्टिफिकेट है, डिग्री है,
क्या क्रेडेंशियल है और लोकेशन क्या है। सो लोकेशन में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कुछ प्रोग्राम्स जो आपको चाहिए वो सिर्फ मोस्ट जो कैंपस में अवेलेबल है वो रजाइना सास्कटून प्रिंसिपल बट में अवेलेबल नहीं है। सो उसके हिसाब से भी जो कैंपस आपको चूज करना है वो वैरी हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ प्रोग्राम्स कुछ ही लोकेशन पर अवेलेबल है दोस्तों। बट यहाँ पर मुझे मेन आपको जो दिखाना था वो ये है कि ये वेबसाइट काफ़ी हैंडी है दोस्तों, बहुत ईजी कर दिया है और वेबसाइट अच्छे से डिजाइन की है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट काफी डिफिकल्ट होती है समझना, और स्पेशली अगर आपको ट्यूशन फी कितनी है वो जानना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पर मुझे सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक की जो ये ए टू जेड प्रोग्राम लिस्टिंग की वेबसाइट है वो काफी हैंडी लगी दोस्तों, इसीलिए मुझे आपको दिखाना था ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर साइबर सिक्योरिटी कोर्स आपको करना है यहाँ पर ये कोर्स की डिटेल है, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, सिर्फ सास्कटून लोकेशन में अवेलेबल है ये कोर्स। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है, अगर आपको अप्लाई करना है खुद से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर आप क्लिक करोगे दोस्तों अंदर आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। सो यहाँ पर प्रोग्राम ओवरव्यू यानी कि प्रोग्राम में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल है और हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। So, काफी इजी हो जाता है यहाँ पर। करियर एंड सैलरी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है दोस्तों। सो स्टार्ट डेट कौन सी होगी, कितना ड्यूरेशन होगा, आपको कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आपको कौन सी स्किल सीखने को मिलेगी ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद दोस्तों, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, लोकेशन कौन सा कैंपस में अवेलेबल है, एडमिशन मेथड कैसे होगी, ट्यूशन फीस कितनी है उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो भी यहाँ पर व्यू ट्यूशन फी रेट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसके बारे में सभी डिटेल्स अवेलेबल है। यहाँ पर कोर्सेज आप कौन से करोगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे सेमेस्टर वन में, सेमेस्टर टू में, सेमेस्टर थ्री में, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर आप यहाँ पर एक्सपांड ऑल पर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी डिटेल यानी कि हर सब्जेक्ट की बेसिक डिटेल्स अंदर आपको मिल जाएगी, कितने क्रेडिट है, कितने कोर्स आवर्स है, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको उस कोर्स में, सो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। काफी हैंडी वेबसाइट डिजाइन की है। ट्रांसफर क्रेडिट की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है इस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सो आपको ट्रांसफर दी जाएगी उसकी क्रेडिट, यानी कि वो सब्जेक्ट आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कुछ कुछ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में जो एलिजिबल है ट्रांसफर क्रेडिट करने के लिए, यहाँ पर उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो काफी हैंडी वेबसाइट डिजाइन की गई है, वही मुझे दिखाना था आपको। सो सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक की वेबसाइट पर जाइए, ए टू जेड प्रोग्राम लिस्टिंग में जाइए, सभी की सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ टॉपिक के बारे में यानी कि फीस के बारे में, प्रोग्राम्स की डिफरेंट प्रोग्राम्स की फीस कैसी है यहाँ पर दोस्तों। सो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, मैंने ओंटारियो वर्सेस सस्कैचुअन के वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि ओंटारियो की कॉलेजेस की और सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक की फीस में क्या डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो लैकलैंड, फैंशो, सेंटेनल, सेनेका कॉलेज जो कि ओंटारियो में सिचुएटेड है उसकी फीस यहाँ पर दिखाई गई है, प्लस एंसिलरी फीस है यहाँ पर दिखाई गई फीस के साथ में। बट सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक की फीस यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 15,000 to 18,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर है। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको वेबसाइट पे बताया, प्रोग्राम में जाइए वहां पर आपको ईजिएस्ट वे में कितनी फीस है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो हर प्रोग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो काफी अच्छा है यानी कि सिमिलर फीज है ओंटारियो के कॉलेज की और सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक की, ऐसा कंक्लूजन यहां पर मैं देना चाहूंगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ टॉपिक के बारे में जो कि है विच कैंपस इज गुड फॉर यू दोस्तों, सास्कटून, रजाइना, प्रिंस अल्बर्ट और मोस्टो। यहाँ पर कैंपस चूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है बट अगर हम डेटा फॉलो करते हैं दोस्तों सास्कटून कैंपस स्टूडेंट्स में ज्यादा फेमस है ऐसा देखा गया है, बिकॉज सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां पर एनरोलमेंट है अभी की डेट में। उसके बाद सेकंड नंबर पर है रजाइना, उसके बाद मोस जो है थर्ड नंबर पर और प्रिंस अल्बर्ट है फोर्थ नंबर पर। बट यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सास्कटून एंड रजाइना काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसके पीछे रीजन ये है कि सास्कटून एंड रजाइना यहाँ की दो बड़ी सिटी है और ये काफी डेवलप है कम्पेयर टू प्रिंस अल्बर्ट एंड मोस्जो। सो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स एंड रहने की जो फैसिलिटीज है वो काफी अच्छी है कम्पेयर टू मोस्जो एंड प्रिंस अल्बर्ट। सो ये ही एक सबसे बड़ा रीजन है कि स्टूडेंट रजाइना एंड सास्कटून कैंपस में आते हैं। बट मोस्जो कैंपस के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज मोस्जो कैंपस सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और सबसे पहले बना हुआ कैंपस है। सो वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल है
जो सास्कटून रजाइना एंड प्रिंस अल्बर्ट कैंपस में नहीं है, और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग अभी मोजो कैंपस में जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इन द मोजो। थोड़ा प्रॉब्लम है पार्ट टाइम जॉब मिलने का जल्दी, बट मिल जाता है वो एक पक्की बात है। प्रिंस अल्बर्ट कैंपस काफी सेम सीनारियो है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो है वो किसी कैंपस में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्रिंस अल्बर्ट कैंपस में अवेलेबल है, इसलिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अभी वहां भी जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चैन का प्रोग्राम आई गैस सिर्फ मोजो कैंपस में अवेलेबल है, ऐसा सुनने में आया है। आप लोग देख लीजिएगा वेबसाइट के ऊपर एक बार, सो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से ट्राई कीजिए, रजाइना सास्कटून कैंपस मिलता है तो अगर आपका कोर्स, अगर आप कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं और वो प्रोग्राम मोजो कैंपस में भी अवेलेबल है, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू गो फॉर द मोजो ओनली गाइस। सो ये बातें थी सभी के सभी कैंपस के बारे में। मेरा ओपिनियन क्या है सस्कैचुआन पॉलिटेक्निक के बारे में, ये है लास्ट टॉपिक हमारा। मेरे हिसाब से काफी अच्छी कॉलेज है। अगर कुछ लोग कंफ्यूज है कि मुझे ओंटारियो जाना चाहिए और वहां पर कॉलेज में स्टडी करनी चाहिए या फिर सस्कैचुआन पॉलिटेक्निक में आना चाहिए, सस्कैचुआन में SINP के ऑप्शंस भी ज्यादा अवेलेबल है, ऐसा अगर कंफ्यूजन है किसी के अंदर, देन आई सजेस्ट दैट फीस दोनों की नियरली सेम ही है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कहाँ पर आपको जाना चाहिए। ओंटारियो में आपको डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सस्कैचुआन पॉलिटेक्निक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है ओंटारियो में है उतना, सो यहाँ पर आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी रहेगा, रहने का खर्चा कम है। सो देख लीजिए आप लोग कि क्या आपके लिए सही रहेगा। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ सस्कैचुआन पॉलिटेक्निक को, काफ़ी अच्छी पॉलिटेक्निक है और काफ़ी अच्छी तरह से उन लोगों ने सब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, जो लोग सस्कैचुआन पॉलिटेक्निक के लिए ट्राई कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस जारी है, उन सभी को ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले राम्स लाइफ चैनल को। दोस्तों आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर माई फ्रेंड्स एंड बाय।